हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। और आज जो हम हैं बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम के जो है सेप्टिक टैंक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सेप्टिक टैंक जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, सेप्टिक टैंक जो होता है वो जो है बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो आइसोलेटेड बिल्डिंग हो या स्मॉल जो इंस्टीट्यूट हो या बिग होटल हो, ठीक है, वहाँ पे सीवेज को कलेक्शन करते हैं इससे। ठीक है, और फिर उसके बाद के अंदर उसको डिस्पोज प्रॉपर रूप से करते हैं। तो सेप्टिक टैंक एक सीवेज जो है आपके जो ह्यूमन एक्सक्रेटा वगैरह है या यूरिन वगैरह है उसको कलेक्ट करने का एक साधन है। ठीक है, या टैंक है। ठीक है, सेप्टिक टैंक जो है इसकी थ्योरी के अंदर आप इससे ये कह सकते हैं कि सेडिमेंटेशन टाइप्स में सेडिमेंटेशन के रूप में काम करता है, जिसके अंदर जो है जो वेस्ट होता है वो सेडिमेंटेशन इफेक्ट सेडिमेंटेशन के कारण क्या है नीचे बैठता है। ठीक है, या डिपॉजिट होता है, और साथ साथ के अंदर जो है उस टैंक के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन टैंक के अंदर वो एनएरोबिक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और ये एक तरह से स्लज डाइजेशन टैंक का रूप में भी सेप्टिक टैंक काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ड्यूरिंग द डिटेंशन पीरियड द सीवेज इज प्यूरिफाइड एंड इफ्लुएंट इज टेकन टू सॉकपिट फॉर डिस्पोजल। ठीक है, तो सफिशियंट जो है डिटेंशन पीरियड अगर आप वेस्ट को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, और जो बाकी का जो इफ्लुएंट है वो आप शोक पिट के अंदर डिस्पोज कर देंगे, और जो स्लज है वो आपके सेप्टिक टैंक के अंदर ही रह जाएगी। तो इफ्लुएंट को आप जो है शोक पिट के अंदर डिस्पोज करना है, और जो स्लज है वो है सेप्टिक टैंक के अंदर रह जाएगी, जिसको हम जो है आप अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जो है हम उसको स्लज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक साल के लिए, दो साल बाद के अंदर। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने उसकी कैपेसिटी कितनी सेप्टिक टैंक की डिज़ाइन की है। ठीक है, तो ये आप मेन इसकी थ्योरी है। आप सेप्टिक टैंक के बारे के अंदर सिंपल है, ये आपके इनलेट है, यहाँ पे आपके बफल वाल प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि क्या है कि जो भी वेस्ट आ रहा है एक्सक्रेटा या यूरिन वगैरह आ रहा है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक है, यहाँ से फिर इसके बाद में ये आउटलेट है। ठीक है, आउटलेट के फ्रंट के अंदर भी हम बफल्स वाल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि इसमें भी डिस्टर्बेंस हो, यानी कि ये वाला पोर्शन है वो अनडिस्टर्ब हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये जो है ये स्लज जोन कहलाता है, जहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया से क्या होता है स्लज का डाइजेशन होता है, या वेस्ट का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में स्लज है तो वो यहाँ रह जाती है, और आपका जो इफ्लुएंट है वो यहाँ से बाहर की साइड के अंदर जाता है, और इफ्लुएंट को फिर क्या करते हैं अपन शॉक पिट के अंदर अपन कर देते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे जो है आपके जैसे ब्रिक के स्मॉल टुकड़े होते हैं या कॉन्ग एग्रीगेट वगैरह होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि पानी जो है शॉक हो जाता है, या यहाँ पे ये जो है इसकी ये एक रेक्टेंगुलर हो सकता है शॉक पिट, या आपके सर्कुलर हो सकता है, जिस जो स्टोन मेसनरी की दीवारें बनी होती है, या आरसीसी की सेलें लगी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं आपके जो है यहाँ इस नीचे की साइड के अंदर यहाँ पे आपको हनीकॉम प्रोवाइड करना। ठीक है, कि हनीकॉम टाइप की जो है मेसनरी होती है, और यहाँ पे आपके मेसनरी हनीकॉम नहीं होती, तो पानी यहाँ से होगा तो यहाँ परकलोट होके जो पानी जो इफ्लुएंट है वो शॉक हो जाएगा, तो इससे इसको हम डिस्पोज करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है अगर सेप्टिक टैंक के अंदर जो है अगर उसमें फ्यूल मेथेन वगैरह भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो एनएरोबिक डाइजेशन के कारण जो होता है वो क्या निकलती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं वेंट पाइप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये जनरली जो है आपके 10 से 15 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो है ये आपके मेन होल प्रोवाइड करते हैं कि इन केस अगर ये स्लज से भर जाता है तो इसको रिमूव करने के लिए आपको ये इसको रिमूव करके आप स्लज को साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल कंपार्टमेंट का क्या है सेप्टिक टैंक है। ठीक है, तो इसके अंदर कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक और वॉल प्रोवाइड कर देते हैं, बफल वॉल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कैपेसिटी ज़्यादा हो
तो इसके लिए आपको यहाँ इस तरह से टू थर्ड, ये जो लेंथ है इसकी टू थर्ड के ऊपर ए को आप जो है बफल वार्ड प्रोवाइड कंपार्टमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कैपेसिटी ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो ये आपके सेप्टिक टैंक है और ये आपके शॉकपिट है। इसका अरेंजमेंट कैसे है ये, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन मैंने बताया आपको अभी डिटेल से कि वाटर टाइट टाइट होना चाहिए, बफल्स प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कि डायरेक्ट करंट नहीं आए इसके अंदर। ठीक है, करंट का मतलब है मिक्सिंग ना हो। ठीक है, इसके बाद में वेंट पाइप प्रोवाइड करते हैं प्रॉपरली उसके अंदर। ठीक है, आरसीसी स्लैब हम उसके ऊपर या मेन होल के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में आप चाहें तो जो है स्टेप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो बहुत बड़ा सेफ्टी टैंक हो तब, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो है स्लज जो है सेफ्टी टैंक के अंदर जो है रेगुलर इंटरवल के अंदर चाहे आप मैनुअल निकाल सकते हो या पंपिंग के द्वारा निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो है जो वर्तमान के अंदर जो है आपके सिंगल स्टेज जो है वो सेफ्टी टैंक है वो क्या कर है प्रिफर किया जाता है। ठीक है, और डबल जो है आपको कम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो सेफ्टी टैंक जो है, ठीक है, वो सेफ्टी टैंक मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है सेडिमेशन टैंक का काम करता है, स्लज डाइजेशन का काम करता है और स्लज स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग है वो 6 to 12 month होती है, जो कि मैंने बताया अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी होती है। ठीक है, सेप्टिक टैंक जो है इसके डिज़ाइन के लिए जनरली हम ये क्राइटेरिया रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में डिस्पोजल जो है मैंने आपको बताया कि डिस्पोजल जो है जो इफ्लुएंट आता है या तो आप शॉकपिट के अंदर प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, वरना आपके दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको इफ्लुएंट जो सेप्टिक टैंक आता है उसको जो ट्रेंचेज है वो आप खोद के या जिसको नालिया वगैरह बोलते हैं जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, गार्डनिंग के काम में ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो है सब सरफेस इरिगेशन के काम ले सकते हैं, सरफेस इरिगेशन के काम में ले सकते हैं और साथ के अंदर जो है ट्रिकलिंग फिल्टर से काम कर सकते हैं। तो ये आपके जो है डिस्चार्ज है सेप्टिंग टैंक का। आप ये देखिए कि जो इफ्लुएंट आता है सेप्टिंग टैंक से, आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि वो जो है काफ़ी जो है उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और हाईली कॉन्टामिनेटेड होता है वो। ठीक है, तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है। ठीक है, शॉक पिट है वो मैंने आपको बताया, शॉक पिट के अंदर जो है आपको जो सेफ्टी टैंक का जो इफ्लुएंट होता है उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। शॉक पिट की जो डेप्थ होती है 1.22 1.8 मीटर होती है। ठीक है, उसमें ब्रिक बेट वगैरह या कोर्स एग्रीगेट भरे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब अगर हम देखें तो सेफ्टी टैंक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं खुद के जो है। इसके अंदर एडवांटेज में ये है कि आपको स्किल सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है और साथ ही स्पेशल अटेंशन की भी आवश्यकता नहीं होती है। सेफ्टी टैंक रिजनेबली कॉस्ट रिजनेबली जो है उसकी कॉस्ट होती है वो रिजनेबल होती है। ठीक है, और ये जो है 90% BOD निकाल देता है और 80% सस्पेंडेड इम्प्योरिटी को निकाल देता है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है, ठीक है, इसका रिडक्शन जो है वो 60% हो जाता है और वेट है 30% रिडक्शन कर देता है ये। ठीक है, और जो इफ्लुएंट होता है, जो स्लज इफ्लुएंट होता है सेप्टिक टैंक से जो निकलता है वो हम आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके फायदे हैं सेप्टिक टैंक के। और डिसएडवांटेज में ये क्या है कि जो है एक तो क्या ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि ये मीथेन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो वेंट पाइप के द्वारा निकलती है। ठीक है, इसके बाद के अंदर सेफ्टी टैंक की जो वर्किंग है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद में जो है अगर आपके एक्सेस अगर ज़्यादा पर्सन के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो इसके लिए साइज बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर टैंक जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, अगर वर्किंग अगर इसकी प्रॉपर रूप से स्टार्ट नहीं हुई तो वो जो है बैड स्मेल प्रोवाइड उत्पन्न करना शुरू कर देता है और जिससे जो है पोल्यूशन काफ़ी होता है। ठीक है, तो ये आपके इसके सेफ्टी टैंक डिसएडवांटेज है। थैंक यू, ये कुछ आपके रेफरेंसेज है जिसको आप रेफर कर सकते हैं।